जब भी चुनाव का वक्त आता है तो सभी राजनीतिक पार्टियां जनता को बेहतर सड़क, बिजली और पानी देने का दावा करती हैं। ऐसा ही एक दावा सरकार के बनते ही यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार ने किया था। यूपी सरकार ने कहा था कि वो प्रदेश की हर सड़क को गड्ढा मुक्त करेंगे, लेकिन सरकार के 4.5 साल बीत जाने के बाद भी ये वादा अभी तक पूरा नहीं हो सका। यहाँ आपको बता दें कि ये वीडियो उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले के थाना बिनावर बिलहैत मौसमपुर नई सड़क मार्ग का है, जहाँ दूर दूर तक गड्ढा मुक्त सड़क दिखाई नहीं दे रही, बल्कि हर जगह बड़े बड़े गड्ढों का अंबार लगा हुआ है, जिसमें गड्ढों में जलभराव की स्थिति दिखाई दे रही। इनमें दर्जनों गाँव को जाने वाले रास्तों की हालात ऐसे हैं कि सड़कों पर बारिश का पानी जमा रहता है, जिसके कारण लोगों को इस सड़क से गुजरने के लिए चुनौती का सामना करना पड़ता है। लोगों का डर रहता है कि कहीं इन गड्ढों के कारण कोई बड़ा हादसा ना हो जाए। लाखों खर्च कर बनाए इन सड़कों की दशा और दुर्दशा को देखने वाला कोई नहीं। दिन के समय में तो फिर भी गनीमत है, पर रात का समय तो बिल्कुल ही खतरे से खाली नहीं है। वहीं लोगों का कहना है कि पूरी सड़क पर ये समझ नहीं आता कि सड़क पर गड्ढे हैं या गड्ढे में सड़क बनी हुई है। सड़क पर बने वाहन चलना तो दूर, छोटे वाहन भी सही से नहीं चल पा रहे, जिससे वाहन चालकों को भारी मुसीबत का सामना करना पड़ रहा। मार्ग पर गड्ढे बन गए हैं जो बारिश में पानी भर जाने के कारण दिखाई नहीं देते। ऐसे में वाहन चालक गड्ढे में गिरकर घायल हो जाते हैं। मार्ग टूट जाने के कारण उसमें से बड़े बड़े पत्थर बाहर निकला है, जिस कारण वाहन चालक दुर्घटनाग्रस्त हो रहे हैं। लेकिन पीडब्ल्यूडी विभाग के अधिकारियों का इस तरफ ध्यान नहीं है, ना ही कोई जनप्रतिनिधि इस तरफ पहल कर रहा है, और जिला प्रशासन भी इस तरफ ध्यान नहीं दे रहा, जिससे सड़क पहले गड्ढे में तब्दील हो गई। ऐसे में सबसे अधिक परेशानी वाहन चालकों को होती है, अंधेरे में कई बार हादसे का शिकार हो चुके हैं। जबकि ये मेन मार्ग थाना बिनावर चौराहे से बगुली नगर, रफियाबाद, नदौलिया, सिमरमई, अचिंदपुर, बिलहैत, कुंडरा, कोनी, नौसाना, काना, नगला, कादराबाद, मौसमपुर, कौर, मझारा से होकर डहरपुर, दातागंज, आलापुर, म्याऊ, कादर चौक सहित आदि दर्जनों गाँव को जाता है। इस संबंध में बदायूं पीडब्ल्यूडी विभाग के इंजीनियर मनीष कुमार जी से बात हुई तो उन्होंने कहा कि विशेष मरम्मत में इस मार्ग का एस्टिमेट गया था शासन में, जो कि स्वीकृत नहीं हो पाया, लेकिन हमने उसको पुनः कार्य योजना में ले लिया है और दोबारा शासन को एस्टिमेट भेजा गया है। बदायूं से ओमवीर सिंह की रिपोर्ट।